हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल क्रेजी माइंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप अपने गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या दोस्तों आप अपने क्रोम पर कोई भी चीज़ देखते हैं, तो दोस्तों वो कुछ लोगों को कैसे पता चल जाता है कि दोस्तों आपने अपने गूगल पर क्या देखा है और दोस्तों अपने क्रोम ब्राउज़र पर क्या देखा है। वो इसलिए पता चल जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ईमेल आईडी और दोस्तों आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को पता चल गया है, तो दोस्तों वो पता कर सकता है कि दोस्तों आपने अपने गूगल पर क्या सर्च किया है, क्या देखा है। तो दोस्तों आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है माय एक्टिविटी। माय एक्टिविटी सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वेलकम टू माय एक्टिविटी। दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों लिख के आ गया माय गूगल एक्टिविटीज़। दोस्तों आपने जो भी क्रोम ब्राउज़र पर जो भी देखा है दोस्तों, गूगल पर जो भी सर्च किया है दोस्तों, वो सारा का सारा दोस्तों शो कर रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी ईमेल आईडी और आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को पता चल जाता है, तो दोस्तों वो पता लगा सकता है आपकी एक्टिविटी का कि दोस्तों आपने अपने गूगल पर क्या देखा है, क्या नहीं देखा है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे बंद कर सकते हैं कि दोस्तों आपके अलावा आपकी एक्टिविटी कोई ना देख पाए, तो दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों आपको यहाँ दोस्तों तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। दोस्तों आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वेब एंड ऐप एक्टिविटीज़। दोस्तों आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ लिखा है वेब एंड ऐप एक्टिविटीज़। दोस्तों आप इसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे लिखा है पुश। दोस्तों आप जैसे ही इस पर पुश कर देंगे, तो दोस्तों आप पुश पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ऊपर लिख के आ गया है सेटिंग इज़ ऑफ। दोस्तों अब आपकी एक्टिविटीज़ आपके अलावा दोस्तों कोई नहीं देख पाएगा और दोस्तों आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थी दोस्तों वो बंद हो गई है, आपकी सेटिंग ऑफ हो गई है। अब दोस्तों आप अपने गूगल पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। दोस्तों किसी को भी पता नहीं चलेगा कि दोस्तों आपने अपने गूगल पर क्या सर्च किया है और दोस्तों क्या देखा है।